जाता हूँ 8-9 बजे, रात को 11 बजे तक चला जाता हूँ। मेरे पास घर द्वार कुछ है नहीं, गाड़ी नहीं रहता हूँ, तो मैं फिर चाहे मेरे पैसे नहीं दिए तो भाड़ा मारो तो फिर पैसे बनते। ड्राइवरों की तकलीफ तो ये है कि जैसे पैसेंजर ने हाथ दिया कि हमको अंगोरे गाँव माला देकर जाना है, तो रिक्शा वाला लंबा भाड़ा सोचने के लिए या कोई दिन भर जब जैसा मैं दिन भर रिक्शा चलाया उस दुकान को थक जाता हूँ। आप डाउन करने पे भी लोग जबरदस्ती क्यों नहीं जाएगा, गाली देते मारते हैं। वहाँ 4 आदमी से बैठ गए, पैसा छीन लिया 750 रुपया और लाइसेंस बैठ गए और मार दिए। इसका 260 रुपया देता हूँ 24 घंटे का। कमाई से मेरे कम से कम 500 मेरा बच जाता है, मगर मैं सब खा पी के बराबर हो जाता हूँ। या किसी को ठोक खा दिया, एक्सीडेंट कर दिया, वो सब मालिक को देखता है, हमको कुछ नहीं करना रहता। कभी वो सीधा चौकी ले जाता है, चौकी के बाद मेरा सेठ आता है। मेरा सेठ आता है जो वहाँ 2-4 हज़ार 5 हज़ार भरना रहता मरता है, बाद में फिर वो पैसा हम लोग कमा कमा कर सेठ को भरता हूँ। सरकार को ऐसा करना भी चाहिए कि स्टैंड बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना बहुत पसीने कमाते, रात को हवलदार ने ट्रैफिक ले लेते हैं। सरकार को गैस का दाम कम करना चाहिए, पब्लिक मेहनत करती बहुत पसीना जलाते, शाम को आता सब गैस भर के धनी दे के हट जाता, हम लोग को एक पैसा बचता नहीं। सिग्नल दिया उसमें आया हवलदार तो पकड़ लिया, गलती ना करो तो भी लाभ पकड़ लेते। पुलिस वाले आपको तकलीफ नहीं करते, कभी रात को हम लोग रिक्शा लगा के सो गया, रात को आए अपने पास घर द्वार नहीं तो अपने परमिट लोग नहीं देते ना। रात रात को हमारे गरीब बच्चे भूखे रह जाते। देने वाला भी सही है और ये भी सही है, यही एक प्रॉब्लम गाड़ी का नुकसान होता है। रूल वाले में पूरा कंपनी भर के देती है, अगर वैसा इसमें रहेगा ना तो हम लोग को बहुत सुविधा है। लखनऊ में 10 साल से रहा हूँ।